आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं किशोर के साथ घर ही लौट रहा था कि रास्ते में हमें बहुत चमकती धमकती रोशनी नजर आई। जब हम दोनों उस रोशनी के करीब पहुंचे तो पता चला कि वहां पर किसी की शादी है। मैं वहां से आगे निकलने ही वाला था कि किशोर ने कहा, यार आगे कहाँ जा रहा है, चल हम भी शादी में शरीक हो जाते हैं और पेट पूजा करने के बाद आराम से निकलेंगे, वैसे भी घर पर दाल रोटी ही मिलेगी। वैसे तो मेरा मन नहीं था ऐसे किसी के शादी में बिन बुलाए घुस जाना, मगर मुझे ये भी अच्छे से पता था कि किशोर फ्री की दावत तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। उससे बिना बहस किए मैंने बाइक उस ओर मोड़ ली जहाँ पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जब हम वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले हमारी नजर वहां पर खड़ी बस पर पड़ी जिसके पीछे एक बड़ा सा लाल रंग के दिल का कटआउट था जिस पर लिखा था, पिंटू वेट्स राधा। ये पढ़ते ही किशोर हंसते हुए बोला, अरे ये यहाँ तो तेरी ही शादी होने वाली है। वो क्या है कि मेरा नाम भी उस दूल्हे की तरह पिंटू ही था, इसलिए किशोर को मौका मिल गया था मेरी टांग खींचने का। खैर हम बस के आगे पहुंचे तो पाया कि वहां पर टेंट कुर्सियां सब कुछ लगी हुई थी, यानी कि बारातियों के स्वागत का पूरा इंतजाम था, मगर वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि किशोर मजे लेते हुए बोला, क्या बात है पिंटू, तेरी शादी में मैं ही इकलौता बाराती हूँ क्या? इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं किशोर को बोला, अच्छा अब मजाक बंद कर, चल वापस लौट चलते हैं। मैंने इतना कहा ही था कि किशोर एक बार हंसते हुए फिर से बोला, अरे ऐसे कैसे, बिना दुल्हन लिए कैसे जाओगे जनाब। किशोर ने अभी इतना कहा ही था कि किसी लड़की ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, पिंटू तुम आ गए। ये सुनते ही जहां मेरे पैरों में कंपन सी उठ गई थी तो वहीं किशोर को अभी मजाक ही सूझ रहा था और वो तभी हंसते हुए बोल पड़ा, अरे लगता है भाभी तेरे को बुला रही है, मगर भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी मैंने गुस्से में पहले तो किशोर को एक खींच के लात मारी और बोला, अब कोई बकवास नहीं, चल चले यहां से। अभी मैं बाइक स्टार्ट ही करने वाला था कि किशोर ने कहा, अरे वो देख भाभी खड़ी है। इस पर मैं बोला, मान जा यार, नहीं तो तेरे को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, फिर देवर भाभी मिलकर खेलते रहना। इस पर किशोर बोला, अरे भाई मेरा मतलब है वहां पर कोई खड़ी है, देख तो सही उस तरफ। फिर जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर कोई था जो अब घर के पीछे चला गया था। वैसे तो हम दोनों को उसी वक्त वहां से निकल जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों हमने ऐसा नहीं किया और मैं उस घर के पीछे ये देखने चला गया कि आखिर वहां पर है कौन। जब मैं और किशोर उस घर के पीछे पहुंचे तो हमने पाया कि उस घर के पीछे बहुत से गड्ढे खुदे हुए हैं जिनमें से बहुत से गड्ढे भरे हुए थे तो वहीं बहुत से खाली भी, जिन्हें देखते ही किशोर बोल पड़ा, अरे इतनी सारी कब्र किसके लिए खुदी है भाई? मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि किशोर बोला, ओ शिट यार, लगता है मेरा फोन बाइक के पास गिर गया है, तू रुक मैं लेकर आता हूँ। इतना बोलते ही किशोर झट से वहां से निकल गया। उसके जाते ही मेरी नजर एक लड़की पर गई जो लाल जोड़े में थी, मतलब दुल्हन के लिबास में, मगर वो अपने हाथों से ही एक गड्ढे को मिट्टी से भरने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गई और आहिस्ते से पीछे पलटी। उसके पीछे पलटते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा मन पता नहीं क्यों रोने को हो गया। मुझे अचानक ही बहुत ज्यादा दुख लगने लगा। उसकी आंख से गिरते हुए आंसू और उसका वो उदास चेहरा देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैं अभी उसके और करीबी बढ़ रहा था कि वो मेरे को अपने करीब आते देख थोड़ी घबरा गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि उस गड्ढे में कुछ तो है जो वो मेरे से
छिपाना चाहती है। लिहाजन मैंने दौड़कर उस गड्ढे में झांक कर देखा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। दरअसल उस गड्ढे में किशोर की लाश पड़ी थी। उसका सिर बीच में से फटा हुआ था और उसका आधा शरीर मिट्टी से ढका हुआ। किशोर को मरा पड़ा देख मेरी सांस भी रुकने को हो गई। मैं समझ गया कि अब मेरी ही बारी है। लिहाजन मैं बिना पीछे पलटे ही वहां से भागा और जब मैं बाइक के पास पहुंचा तो पाया कि बाइक के दो टुकड़े हो रखे हैं और उस पर खूनी खून लगा हुआ है। मैं अभी यही सोच रहा था कि अब क्या होगा कि तभी पीछे से आवाज आई, पिंटू। अपना नाम सुनते ही मैं समझ गया कि ये वही दुल्हन है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि पीछे पलट कर देखूं, जिस वजह से मैं किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा। और फिर जब मुझे लगा कि वो दुल्हन मेरे करीब आ रही है तो मैं एक बार फिर वहां से भागा। जब मुझे वो दुल्हन सामने नजर आई तो मैं पीछे पलटा और फिर मैं बस के अंदर जा घुसा। मैं अभी बस में घुसा ही था कि मैंने देखा कि बस में 7 से 8 लोग पहले से ही मौजूद हैं, वो भी दूल्हे के लिबास में, सहरा पहने हुए। मैंने उनसे तुरंत ही पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मगर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। मैं फिर एक बार चीखते हुए बोला, कौन है ये लड़की? इतने में ही वो दुल्हन भी बस के गेट पर आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में ठीक वैसा ही सहरा था जैसा कि बस में बैठे लोगों ने पहने हुए थे। अब मैं बुरी तरह फंस गया था। उस दुल्हन को बस में चढ़ते देख मेरे पांव डगमगा रहे थे, जिस वजह से मैं वहीं पर बस की एक सीट पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस दुल्हन ने मेरे सर पर वो सहरा बांध दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, पिंटू तुम मेरे से शादी नहीं करोगे क्या? उस वक्त तो मेरे मुंह का पानी तक सूख चुका था और ऐसे में जुबान हिलाने तक की ताकत नहीं बची थी। तभी पता नहीं कैसे अचानक ही वो दुल्हन हवा में गायब हो गई और देखते ही देखते वो सारे दूल्हे भी। फिर मेरी नजर बाहर गई तो पता चला कि सुबह हो गई है। फिर जब मैं बस से बाहर निकला तो वहां एक टूटा फूटा घर था जो रात में बेहद चमक दमक रहा था। साथ ही वो बस भी किसी कबाड़ की तरह लग रही थी। मैं वहां से भागा और अपने घर पहुंचा, जहां पर सारी बात बताने के बाद पता चला कि बहुत पहले एक परिवार वहां उस जमीन पर दूर से आकर बसा था। उसकी एक ही बेटी थी जिसकी वो शादी करना चाहते थे, मगर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। कारण था उस लड़की का अतीत, जिसमें वो एक पिंटू नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया था। और संजोग देखो उसके अगले 3 रिश्ते भी पिंटू नाम के लड़के से ही जुड़े, मगर उनकी बारात कभी उस लड़की के घर तक नहीं पहुंची, जिस वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो परिवार वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, मगर उसके बाद से कई लोगों ने वहां शादी जैसा माहौल देखा, मानो कोई बारात आने वाली हो। और जो भी वहां पर गलती से भी पहुंच जाता है उसे वो लड़की घर के पीछे जिंदा ही दफना देती, खासकर पिंटू नाम वाले लड़के को। वो उस बस में दूल्हा बनाकर उसका दिल निकाल लेती। उसी दौरान उस बस से कई लाशें भी मिली थी, जिसके बाद से कई पूजा पाठ और तांत्रिकों की सहायता से उस लड़की की आत्मा को शांत करने की कोशिश की गई। अब तक तो सब शांत था, मगर अब आगे क्या होगा ये तो पता नहीं। ये सब जानने के बाद मैं समझ गया कि मेरी किस्मत अच्छी रही इसलिए मैं बच गया, मगर अब आगे क्या होने वाला था ये तो पता नहीं। मगर अब हर रात दहशत में ही बीतती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड ठीक है।